सम्मानितों को एक और बड़ा सम्मान। पीएम मोदी ने सम्मानितों संग समय बिताया, किसी के हाथ चूमे, किसी को झुककर प्रणाम किया। पीएम मोदी का ये अंदाज फिर लोगों को भा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सादगी के लिए जाने जाते हैं और जिस तरह से वो अपने देश के लोगों से प्यार करते हैं उसकी तो बात ही अलग है। अपने लोगों से, अपने देश से पीएम मोदी का स्नेह सर्वोपरि। फिर वो चाहे किसी भी तबके का, वो चाहे किसी भी जगह से आता हो, बड़े से बड़ा आदमी हो या फिर छोटे से छोटा, सबको सम्मान देने में विश्वास रखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ओडिशा के दौरे पर भी पीएम मोदी ने अपने खुले दिल का परिचय दिया है। पीएम मोदी ने शनिवार को अपने ओडिशा दौरे के दौरान वहां के पद्मश्री पुरस्कार विजेताओं से मुलाकात की थी। अपनी इसी मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी पीएम मोदी ने साझा की। पीएम मोदी ने पद्मश्री से सम्मानित लोगों से मिलते वक्त किसी के हाथ चूमे तो किसी का हाथ जोड़कर, किसी के हाथों को माथे से लगाकर, हाथ थाम कर अभिवादन स्वीकार किया। सोशल मीडिया एक्स पर भी पीएम मोदी की इन तस्वीरों को खूब सराहा जा रहा है। पीएम मोदी ने खुद भी इन तस्वीरों को साझा किया है। पीएम मोदी ने साल 2017 में पद्मश्री से सम्मानित संगीतकार श्री जितेंद्र हरिपाल से मुलाकात की। उन्होंने संगीतकार की तारीफ करते हुए कहा, रंगबती के उनके गायन की व्यापक रूप से प्रशंसा की जाती है, ओडिशा में उनसे मिलकर खुशी हुई। फिर पीएम मोदी संबलपुर के प्रतिष्ठित गीतकार, नाटककार और कवि श्री विनोद कुमार पसायत से भी मिले। उन्हें भी इस साल पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर कहा, संबलपुरी भाषा में उनका योगदान अमूल्य है, वो एक प्रतिष्ठित साहित्यकार के रूप में जाने जाते हैं। वहीं 5 दशकों से सबदा नृत्य को लोकप्रिय बनाने वाले श्री भागवत प्रधान को भी इस वर्ष ही पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया है। उनके साथ भी अपनत्व का भाव दिखाते नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी ने उनके योगदानों को खूब सराहा, कहा कि उनके जैसे लोगों ने हमें सांस्कृतिक रूप से समृद्ध बनाया है। और फिर संबलपुर की प्रसिद्ध लोक गायिका डॉक्टर कृष्णा पटेल को पिछले साल पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, उनसे भी मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनसे मिलकर पीएम मोदी ने कहा, डॉक्टर कृष्णा पटेल जी से मिलने का सौभाग्य मिला, जिनकी मंत्रमुग्ध कर देने वाली आवाज 4 दशकों से अधिक समय से गूंज रही है। हमारी सांस्कृतिक विरासत में उनका योगदान बहुत बड़ा है। इनके अलावा नाटककार, कवि, गीतकार और उपन्यासकार के रूप में मशहूर मित्रभानु गौंटिया से भी पीएम मोदी मिले हैं। मित्रभानु गौंटिया को साल 2020 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उनकी तारीफ में पीएम मोदी ने कहा, उनकी बहुमुखी प्रतिभा ने एक अमिट छाप छोड़ी है जिससे हमारी सांस्कृतिक विरासत समृद्ध हुई है। इस तरह से एक एक कर पीएम मोदी ने लगभग सभी सम्मानित लोगों की खूबी बताते हुए उनकी फोटोज को सोशल मीडिया पर साझा किया है। उन सबको दिल से सम्मान देते दिखाई दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी इसी तरह से अक्सर अपने देश के लोगों को सम्मान देते दिखाई देते हैं। वो ऐसे ही अक्सर लोगों के दिल में उतरते देखे जाते हैं। उनके इस अंदाज से लोग वाकिफ हैं और इसके लिए उन्हें बहुत प्यार लौटाते भी हैं। अभी हाल ही में राम मंदिर में प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था। उस वक्त भी प्राण प्रतिष्ठा के बाद पीएम मोदी वहां मौजूद सभी लोगों की उपस्थिति के लिए हाथ जोड़कर उन्हें सम्मान दे ही रहे थे। वहीं राम मंदिर को इतने कम समय में तैयार करने वाले श्रमिकों के ऊपर भी अपने हाथों से पीएम मोदी ने फूलों की बारिश की थी। पीएम मोदी ने श्रमिकों को उनके इस कार्य के लिए अद्भुत सम्मान दिया था। इसी तरह से ओडिशा दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी ने पद्मश्री से सम्मानित लोगों से मुलाकात कर उनका अभिवादन स्वीकार किया, उन्हें ढेर सारा प्यार दिया। पीएम मोदी ने शनिवार को अपने ओडिशा दौरे के दौरान वहां 68,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया। इन योजनाओं में ओडिशा की सड़क, रेलवे और उच्च शिक्षा क्षेत्र की महत्वपूर्ण योजनाओं के अलावा प्राकृतिक गैस, कोयला और बिजली उत्पादन से जुड़े ऊर्जा क्षेत्र को भी बढ़ावा देना है। पीएम मोदी ने इस अवसर पर प्रदर्शित IIM संबलपुर मॉडल और एक फोटो प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। वैसे पीएम मोदी के अंदर जो सादगी और अपनत्व का भाव है, जिस तरह से अपनेपन से वो लोगों से मिलते हैं, इस बारे में आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट कर हमें अपनी राय जरूर बताएं।